हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलबीएस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हम पैराग्राफ नंबर 6 पे आए थे, जहाँ पे बात की थी जो डॉक्टर है जो एक ऐसी वुमन से मैरी करना चाहते हैं जो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो वुमन डॉक्टर हो, जिसके पास अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो और वो थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए ताकि अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो वो मेरे पीछे भागे और मुझे पकड़ ना सके। ठीक है। तब इस सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ये सब बातें दिमाग में चल रही थी तब वो क्या होता है, टेबल के सामने जो चेयर होती है वहां पे जाके बैठ जाते हैं। देर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबो। अब यहाँ पे जो साउंड जो पहले जो रेट्स के आ रही थी अब वो नहीं आ रही थी। सडनली देर केम अ डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड एंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। अब सडनली क्या होता है कि ऊपर से एक ऐसा लगता है जैसे कि रबर ट्यूब नीचे की तरफ गिरा हो। और यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि शायद तक कोई चिंता की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड द एंड टेक अ लुक। लेकिन फिर भी मुझे टर्न होके देख लेना चाहिए क्या हुआ। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माय शोल्डर। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने टर्न किया तो यहाँ पे देखा कि एक फैटी एक मोटा सा स्नेक है जो चेयर के पीछे की तरफ जो है रेंग रहा था। रिंगल ओवर रिंगल मतलब क्या होता है, रेंगना। ठीक है, रेंग रहा था और मेरे शोल्डर पे वो लैंड हो गया था। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वाज साइमल्टेनियसली। यानी जैसे ही मैंने टर्न किया और स्नेक का लैंडिंग दोनों साथ में हुआ मेरे शोल्डर पे। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक स्लिदर अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, अगर स्नेक कोई भी होगा आपके बिहाफ पे हो तो क्या करोगे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बोल रहे हैं कि कुछ भी सोचने तक का टाइम नहीं था, मैं ना ही जम्प कर सकता, ना ही मैं ट्रैम्बल कर सकता, ना ही मैं रो भी सकता था। अब स्नेक क्या हुआ था, रेंगते उनके शोल्डर से रेंगते उनका जो लेफ्ट आर्म था वो पूरी तरह से उस स्नेक ने जकड़ लिया था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हुड मतलब यहाँ पे स्नेक की बात की गई है कि स्नेक सरकता हुआ कहाँ पे वो पूरी तरह से स्प्रेड हो रहा था, इधर से उधर हो रहा था और उसका जो फेस था और जो मेरा फेस था यानी उसके भी 3 or 4 inches का ही डिफरेंस था। ठीक है, डिस्टेंस था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली दैट आई सेट देर होल्डिंग माई ब्रेथ। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं वहां पे अपनी सांसें रोकते हुए बैठा हुआ था। आई वॉज टर्निंग टू स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अभी यहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि मैं एकदम से पूरी तरह से पत्थर में बदल गया था लेकिन मेरा माइंड था वो एक्टिव उस समय वर्क कर रहा था। जो रूम था पूरा डार्कनेस से भरा हुआ था क्योंकि वो आपको पता है कि जो उनका रूम था वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, सिर्फ जो लैम्प था उसकी जो लाइट थी वही सिर्फ फ्लैश कर रही थी। I felt then a great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in a bright letters outside my little heart the word oh God. अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, भगवान को याद करोगे, अपने गॉड को याद करोगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ अपने गॉड को याद कर रहा था और फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूं कि जो उनको पसंद ना आए। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, इट वॉज एज इव अ थिक लेडन रोड नो रोड मेड ऑफ द मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। तो यहाँ पे क्योंकि उनका लेफ्ट आर्म था पूरी तरह से कॉइल कर लिया था वो स्नेक ने, तो इतना उनका जो दर्द हो रहा था यानी इतना पेन हो रहा था जैसे कि किसी ने रोड उनके ऊपर मार दी गई हो। या फिर तो वो पहले बोलते हैं कि जैसे कि रोड हो, पहले बोलते नहीं रोड नहीं, ये तो जैसे कि मोल्टन फायर हुआ हो और वो जैसे कि उनके आर्म को पूरी तरह से क्रश कर रहा हो। यानी वो उनका जो लेफ्ट आर्म था वो उसने इस तरह जकड़ लिया था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि रोड हो, जैसे किसी ने उनको रोड मारी हो या फिर किसी आग की तरह वो जल रहा था। इतने पूरे आर्म था वो पूरी तरह क्रश हो गया था, बहुत ही ज्यादा
तरीके से उसको कॉइल्ड कर लिया था उस स्नेक ने. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू. आप भी यानी इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्नेक ने जो आप अगर आपके लेफ्ट एंड आर्म पे कॉइल कर लिया था, यानी पूरी स्ट्रेंथ ऐसा लगा कि पूरी स्ट्रेंथ जो बॉडी की है वो चली गई है. अब मैं क्या करूं. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. अगर मैं थोड़ा सा भी मेरी मूवमेंट थोड़ी चेंज होती है तो स्नेक है वो मुझ पे अटैक कर देगा. डेथ लर्क्ड 4 inches अवे. और डेथ से थोड़ी सी ही दूरी बची हुई थी 4 inch की. सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. अगर वो मुझ पे अटैक करता है तो मैं कौन सी मेडिसिन लू, क्या मेडिसिन लू. देर वॉज नो मेडिसिन इन माई इन द रूम. आई वॉज अ पुअर फूलिश स्टूपिड डॉक्टर. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं मेडिसिन क्या लू, मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, मैं एक गरीब सा डॉक्टर हूँ, मैं एकदम पागल स्टूपिड सा डॉक्टर हूँ. पागल ही हुआ ना क्योंकि डॉक्टर है, उसके पास वो मेडिसिन ही नहीं है अगर स्नेक उस पर अटैक करता है. आई फॉरगेट माई डेंजर स्माइल फीबल एट माई सेल्फ. यानी ये सब बातें वो सोचते हैं, उसके बाद उनके दिमाग में कुछ और चलने लगता है, यानी भूल जाते हैं वो डेंजर को और उनके फेस पे स्माइल आने लगती है. इट सीम एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड. अब यहाँ पे शायद वो स्माइल थी, कहीं ना कहीं वो गॉड को अप्रिशिएट करने लगी. और क्या होता है, जो स्नेक है वो वहां से चला जाता है. इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड शो इट्स रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे जो टेबल पे था, टेबल पे जो मिरर रखा हुआ था, वो स्नेक है वो मिरर पे अपना रिफ्लेक्शन यानी अपना चेहरा देखने लगता था. आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू मिरर. यानी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये पहला जो स्नेक है जो अपना चेहरा मिरर पे देख रहा है. बट इट वॉज अ सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. वॉज इट एट एडमायरिंग इट्स ऑन बीटिंग. तो यहाँ पे वो जो डॉक्टर बता रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि क्या ये स्नेक है अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा है. वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेस और यूजिंग आई शेडोज एंड मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड. तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि पता नहीं क्या कुछ अलग डिसीजन ले रहा है. पता है, याद है कि डॉक्टर ने भी अलग अपना चेहरा देख के डिसीजन लिया था कि वो अपने मस्टेस है अब बढ़ाएंगे. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या पता नहीं ये स्नेक है वो भी ये सोच रहा है कि उसकी जो मस्टेस है बढ़ाने के लिए या फिर आई शेडो और मस्करा यूज करना है या फिर वर्मिलन मतलब क्या होता है सिंदूर या फिर अपने हेड पे सिंदूर लगाने के बारे में सोच रहा है. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि स्नेक है वो मेल है कि फीमेल है. तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपने हिसाब से सोचने लग रहे हैं कि ये जो स्नेक है मिरर में देख के क्या सोच रहा है. नाउ आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल. यानी एक हम बता नहीं सकता था कि वो जो स्नेक था वो मेल था या फीमेल. आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिडर इनटू माय लैप. अब यहाँ पे क्या होता था मैं जान नहीं सकता था, लेकिन क्या हुआ, जो स्नेक था वो वहां से जो उनके आर्म से अपने आप चला गया और उनकी जो लैप है वहां पे आ गया धीरे से. और फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर. अब धीरे धीरे क्या होता है वो टेबल की तरफ जाता है और मिरर की तरफ चला जाता है. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एज अ क्लोजर क्वार्टर. शायद वो अपना जो रिफ्लेक्शन है उसको यानी एंजॉय करना चाहता था. इट वॉज नॉट मेयर इमेजिन कट इन अ ग्रेनाइट. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ flesh and blood still holding my breath and I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leaped into the yard and ran off all I was worth. अभी यहाँ पे क्या होता था, अब यहाँ पे क्योंकि वो एक ग्रेनेट बन के बैठे हुए थे, एक पत्थर बन के वो बैठे हुए थे. सडनली क्या होता, जैसे ही वो स्नेक मास चला था तो उनका जो पूरे तो जकड़ लिया था उनका जो हैंड था, अब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया था. अब यहाँ पे फिर भी वो अपनी जो ब्रेथ है उसको होल्ड करके रखते हैं. अब चेयर से उठते हैं, अब वहां से वरंडा की तरफ आते हैं
अब वहां से वो भागने लगते हैं। फ्यू इच ऑफ दी हेवन अ साइट ऑफ रिलीफ समबड़ी आस्क डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। तो यहाँ से अब यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ही तब जाके उनको रिलीफ मिला था। और तभी उसमें से एक स्टूडेंट से पूछता है कि क्या आपकी वाइफ मोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर है बताते हैं, नो द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्टेड गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो यहाँ पे डॉक्टर जब बोलते हैं नहीं नहीं भगवान की कृपा से मेरी जो वाइफ है वो पतली सी है और गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर यानी वो बहुत तेज भागती है। समवंस एल्स आस्क डॉक्टर देन यू रन विद द स्नेक फॉलो यू। तो यहाँ पे दूसरा जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि डॉक्टर क्या आप जैसे भागे स्नेक ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रेन एंड रेन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस इमीडिएटली आई स्मेल्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स। तो ये पार्ट है, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 11 और उसमें हम कृष्णा से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।